उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भीषण गर्मी के बीच माटी से बने घड़ों की बिक्री जोरों पर है। बाजार में जगह जगह घड़े सुराही दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती गर्मी के कारण यहां आम आदमी त्रस्त है, वहीं कुम्हारों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। इसकी वजह मिट्टी के घड़ों की बिक्री बढ़ जाना है। बदलते समय में फ्रिज ने भले ही घड़े का स्थान ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी मिट्टी के घड़े की अपनी मांग है। अलबत्ता गर्मियों में घड़े की यह मांग बहुत बढ़ जाती है। इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, इस वजह से इन दिनों टोंटी लगे घड़े की बिक्री जोरों पर है। घड़े से निकलने वाली सौंधी सौंधी खुशबू जहां पानी के स्वाद को बढ़ा देती है, वहीं इससे मिलने वाले पोषक तत्वों में डाइजेशन सिस्टम भी मजबूत होता है। घड़ों की बढ़ती मांग से कुम्हार भी खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो घड़ों की बिक्री की मांग ज़्यादा है, क्योंकि फ्रिज का पानी गले को पकड़ लेता है और जो घड़ों का पानी है गले को पकड़ता नहीं है, और इससे कई अनेक फायदे भी हैं। बहुत हाँ, पिछले साल की तुलना में इस बार गर्मी की ज़्यादा प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया, और जिससे दुकानदारी पर मेरा असर पड़ा है कि दुकानदारी की सेल कुछ ज़्यादा ही हो रही है गर्मी के चक्कर में। पर अच्छा महसूस हो रहा है कि बिक्री जब अच्छी होती है, दुकानदारी अच्छी होती है, तो हमारे चेहरे खिले खिले हैं। कुम्हार को यही फायदा होना चाहिए, बस दुकानदारी अच्छी है हमारी। सर, फ्रिज का पानी हमें नुकसान देता है। हम धूप में काम करते हैं तो हमें सर्द गर्म बन जाता है, इसलिए हम मटके का पानी पीते हैं, हमें नुकसान नहीं देता। मटके का पानी देखो, फ्रिज के पानी से काफ़ी साफ सुथरा रहता है, और दूसरा ये होता है ठंड कम रहता है। जैसे अगर गर्मी में भी आप आओ तुरंत पानी पियो इसका, तो ठंड नहीं लगती उससे। और नॉर्मली फ्रिज का पानी पियो तो उससे खांसी ऐसी सर्दी जुकाम का ज़्यादा हो रहता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।